वालेकुम कर्तव्य आप इस सलाम। बारे में क्या कहेंगे कि टीवी चैनल्स पर दिखाया गया है कि एक बच्चे के दो दिल हैं। बेशक अल्लाह की जात हर चीज पर कादिर है। एक जान दो कालिब होना तो आज तक सुना था, मगर एक सीने में दो दिल इकट्ठे भी धड़क सकते हैं। इस बात का हकीकी तौर पर सामने आना इंतहाई हैरतअंगेज और नाकाबले यकीन लगता है। सेवन शरीफ में काजी अहमद के गांव नासरी का रिहायशी 6 साला बच्चा कामरान रन एक हफ्ते कबल तबीयत खराब होने पर अपने अहले खाना के साथ तिब्बी मुआयने के लिए सेवन पहुंचा। बच्चे का तिब्बी मुआयना किया गया, दिल की ईसीजी, इकोग्राफी समय दीगर टेस्ट किए गए तो मालूम हुआ कि बच्चे के दो दिल हैं, जो मामूल के मुताबिक सेहतमंद और नॉर्मल है। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक इस किस्म के केसेस ना होने के बराबर होते हैं। शोबाए अमराज कल्ब के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल रहमान जमाली कहते हैं, मुझे एक अनदर हार्ट जो ऑलमोस्ट 90% सेम हार्ट मुझे मिल रहा था, 95% ऑलमोस्ट नॉर्मल हार्ट जो लेफ्ट साइड में मुझे मिला, तो हमने दोबारा इसको इको विंडोज लिए और कंफर्मेशन किया, तो मुख्तलिफ विंडो से और कंफर्म हो गया कि इवन मुझे एक्सिला की तरफ यहाँ तक भी उनके जो इको की विंडोज है वो बंद मुझे डर मिल रहे थे। और इसके अलावा भी कुछ और केसेस भी हैं फॉरेन कंट्रीज में भी कि किसी लड़की के किसी मर्द के यहाँ एक ही बजाय दो दिल हैं। क्या ये बचपन से हो सकता है, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ उसके हो सकता है या बाद में लगाया जाता है, क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान तो सबसे पहले ये देखता है कि अल्लाह जल्ला शान होने और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, और हमारे लिए तो हक और सच बात वही होगी जो कुरान सुन्नत से साबित होगी। बाकी दुनिया के अंदर बातें बहुत सारी पहले भी हुई और होती रहती और होती रहेंगी, और वो उनका इलम जो है उनकी तहकीकात उनके तजर्बे की बुनियाद पर वो बातें बदलती रहती हैं, लेकिन कुरान पाक कभी नहीं बदलता। तो कुरान पाक में अल्लाह जल्ला शानु का वाज़े इरशाद है, मा जालल्लाहु लिरजुल मिन कल्बैन फी जौफी, सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया हमने किसी भी इंसान के सीने में, जौफ कहते हैं सीने को, हमने किसी भी इंसान के सीने के अंदर दो दिल नहीं बनाए। तो ये कुरान पाक की वाज़े आयत है। अब ये जो जिस वीडियो का आप हवाला दे रहे हैं आप ख़ुद ही वो देख लें कि ये लोग टीवी पे इस तरह की जो वीडियो चला रहे हैं और बग़ैर किसी तहकीक के और बग़ैर किसी मुकम्मल तफसील के आवाम को बातें बतलाई जा रही हैं, और आवाम कई ऐसे होते हैं वो भी कोई तहकीक नहीं करते हैं, सुन के तो यकीन कर लेते हैं। अब कई ऐसी बातें होती हैं जो सराहतन कुरान पाक से या हदीस पाक से और आप सल्लम की सुन्नत मुबारका से, सुन्नत सहीहा से टकराती हैं, और ये इस्लाम के मुनाफी चीज़ें होती हैं, और इनका सबूत भी कोई साइंसी एतबार से सबूत भी कोई नहीं होता है। अब जो आप ख़ुद तहकीक करके देखें कि एक बीमारी है जिसको कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी जो ऐसी बीमारी होती है, ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो खून जो होता है उसको दिल पंप करना बंद कर देता है, तो फिर वो इस तरह करते हैं कि जिस तरह पैवंदकारी की जाती है जिगर की या मुख्तलिफ अज़ा की, इंसानी अज़ा की, इसी तरह दिल की भी पैवंदकारी की जाती है, और एक इजाफी को डोनर से हार्ट लेकर तो वो साथ लगा दिया जाता है। तो ऐसे होता है जैसे एक सीने के अंदर दो दिल लगाए गए हैं। तो अल्लाह ताला ने तो दो दिल नहीं बनाए। हाँ ये है कि डॉक्टर हजरात स्पोर्ट के लिए, जिस तरह गाड़ी के अंदर स्टपनी वगैरह होती है, तो स्पोर्ट के लिए इजाफी तौर पर वो साथ लगा देते हैं, और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ आज़ा के साथ उंगलियों के साथ कुछ छोटी मोटी उंगली ऐसे अटैच होती है, तो वो इजाफी नहीं होती, तो उसका अलहदा कोई काम भी नहीं होता, वो हरकत भी नहीं करती, वो उसी के साथ अटैच होती है। तो इस तरह दिल या कोई और जिस्म का हिस्सा उसके साथ इजाफी लोथड़ा सा लग जाता है, और उसकी भी वजह ये होती है कि माँ बाप जो हैं कोई ऐसा अमल करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं उनकी गजाई एतबार से, कोई खुराकें खाना, तो उसकी वजह से औलाद पे असर होता है। अब ये साइंस खुद मानती है कि जो खुराक है हमारी या अमाल हैं, किसी भी इलाके में कोई इंसान रहता है तो जीन्स के अंदर तब्दीली आती है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हर एक में कोई ना कोई तासीर रखी है,
तो उन तासीरात की वजह से जीन्स में तब्दीली आ जाती है। तो ये गोश्त का इजाफी लो थोड़ा दिल के साथ लग जाता है, लेकिन वो दिल नहीं होता है, एक इंसान के सीने में दो दिल नहीं होते हैं। और अब ये खुद साइंसदान आप तहकीक कर लें, वो कहते हैं कि नो ह्यूमन बोन विद टू हार्ट्स, दो दिल के साथ कोई इंसान नहीं पैदा होता है। ये सदियों की, हज़ारों सालों की तहकीक है। अब ज़माना जाहिलियत में जमील बिन मामर नामी एक बंदा था, वो अरब लोगों में मशहूर था कि उसके दो दिल हैं, कि उसके सीने को हाथ लगा के देखा जाता था तो धड़कन दो तरफ महसूस होती थी। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि इंसान, अब वहम है लोगों का, कहते हैं कि दिल जो है ना वो बाईं तरफ होता है, हालांकि दिल बाईं तरफ नहीं होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले फरमाया फ़ी जोफ़ी, अंदर होता है, ये सीने के दरमियान में होता है दिल। तो ये इधर दरमियान में होता है, तो इधर भी लगे जाती हैं और इधर भी जाती हैं वेंस वगैरह। तो बाज़ दफ़ा बाज़ इंसानों की जो वेंस हैं उनकी जो खून का जो आमदोरफ्त है वो थोड़े इधर होती है, तो वो इस तरह महसूस होता है जैसे दो तरफ धड़कन है या इधर दाएं तरफ धड़कन है, तो वो ये समझते हैं दो दिल हैं, हालांकि ये दो दिल नहीं हैं। और इसके शान नज़ूल में मुफस्सरीन ने इस रिवायत को भी बयान किया कि अरब के जो लोग थे ज़माना जाहिलियत में, वो ये समझते थे दो दिल भी हैं इस बंदे के, जमील बिन मामर के, हालांकि कुरान पाक ने इसकी मुकम्मल सराहतन लफ्ज़ों से नफ़ी की है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हम कुरान पाक को पहले सीखें, उस पर अमल करें, और अगर कोई बात वाज़तन आ जाती है तो उसको, उसका इनकार ना करें बल्कि उस पर यकीन करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एक ऐसे केसेस भी हैं कि एक इंसान है उसकी दो टांगे हैं सिर्फ और ऊपर दाढ़ जो है वो दो है, उस तरीके से तो दो दिल ही होंगे, उसके दो मुंह हैं, ठीक है। और एक वीडियो भी मैंने देखी नेट पे और डिस्कवरी चैनल पे भी आई है, तो उसके दाढ़ दो हैं ऊपर से, अगर तो ऊपर से दो एक ही है ऊपर से दो है, अगर तो दो धड़ हैं अलहदा अलहदा हैं तो फिर वो दो गिने जाएंगे, वो एक बंदा नहीं है, वो जुड़े हुए हैं दो, मतलब दो सर हैं और दो ही फिर उसके बाजू के एतबार से उसका सांस लेना, उसकी नालियां सारा, तो वो एक अलहदा इंसान है लेकिन वो जुड़वा है, ट्विंस हैं, वो इकट्ठे साथ ही पैदा हुए, जुड़े हुए हैं। और बाज़ केसेस के अंदर ऐसा भी हमने सुना है कि उनको अलहदा नहीं किया जा सकता, अगर अलहदा किया जाता है तो जिस तरह पेट और बाकी जो चीज़ें मुश्तरका होती हैं तो उसकी वजह से उनकी जान को ख़तरा होता है। तो अगर वो इस तरह जुड़े हुए हैं, कोई जानवर या कोई ऐसी भी चीज़ है कि वो इस तरह जुड़ी हुई है, उनका एक ही दिल है, तो फिर उनको अलहदा नहीं किया जा सकता। तो फिर ये है कि एक दो इंसान हैं, उनका एक दिल है, उनके लिए एक ही पंप जो है वो अल्लाह ताला ने लगाया है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि एक इंसान में अल्लाह ने दो दिल लगाए हों। ये हो सकता है कि दो जुड़े हुए उनका एक दिल हो, या ऐसा अगर ना भी हो तो दो अलहदा अलहदा हैं, तो फिर वो दो अलहदा अलहदा काउंट होंगे, वो दो अलहदा ही। और बाज़ जानवर ऐसे हैं जैसे ऑक्टोपस, उसके बारे में आता है कि एक से उसके ज़्यादा दिल होते हैं, दो या तीन साइंस होता है, एक जो ज़्यादा काम करने वाला वो एक ही होता है। हाँ वो एक ही होता है।